बॉल ले लो हाथ में, पता है ना पेयर एक एक पेयर चूज करके जो साथ में सिंक में भागते हैं। पानी रखो अपने पास, बैट्समैन को विजुलाइज करो। हाँ तो तू तेज रहा है भाई, तू कॉम्प्रोमाइज मत कर। अरे वेरी गुड यार, क्या बात है। पार्टनर कहाँ है तेरा, पांडा? पांडा बोल रहा है। किस किस को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? मोहम्मद शमी ने भी 150 फेंकी हुई है, सबको मालूम है ना। दुनियादार की चीज़ों में हाथ पैर नहीं मारा ना, जिस बॉलिंग अच्छी कर रहा है, अच्छी निगाहों में कर रहा है, इसलिए तेरे पास अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अब ये वाली एल्बो को अगर तू तो नीचे रखेगा ना, तो तेरी जंप वैसी नहीं होगी। फिट 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 अभी लोड ऑलमोस्ट फिट तो हो चुका है, बट मैं लोड ज़्यादा देना नहीं चाहता, तो ग्रेजुअली अभी जब ऑफ के बाद वापस आएगा। अच्छा वहाँ पे ना भाई लोअर बॉडी की थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग जरूर करता रही हो, क्योंकि वहाँ से आने के बाद वीक नहीं होनी चाहिए मसल्स। नहीं समझा ना मेरी बात, लंजेस जरूर लगाता रही हो, लंजेस और जो ये वॉल सेट होता है ना, मसल्स को एक्टिवेट करते रहिए। जैसे वॉल सेट पे ऐसे एक एक डेढ़ मिनट के सेट लगाने, बैठ गया कुछ वेट रख लिया जाता है तो एक्टिवेट होता है ये मसल्स, ठीक है, बर्न होता ना। हाँ लाइट लाइट वार्म अप के लिए तो करना पड़ेगा। अनफिट तू तो अभी दो दिन में आया है, यहाँ आते ही यार क्या हो गया है? तो थोड़ा पेन तो है ही, आज ही वीडियो डाला है मैंने उसके ऊपर कि अगर थोड़ा सा भी निकला है तो वर्कआउट छोड़ देना तुरंत, मतलब जो एक्टिविटी करो उसको नहीं करना। आओ यार भाई, आप लोगों को पहले देख लो, इसमें भी कर सकते हो, ग्रास अच्छी है। अब बॉल ले लो हाथ में, पता है ना पेयर एक एक पेयर चूज करके जो साथ में सिंक में भागते हैं, समझ रहे हो, एक एक पार्टनर ले लो अपना में, शुरू करो। और 20-22 रैप रहेंगे, पानी रखो अपने पास। नहीं नहीं क्यों लकड़ी ले रहा है भाई, क्यों लकड़ी ले रहा है? लगाओ ना यहाँ पे ऐसे 5-5 मीटर की दूरी पर, यहाँ से ऐसे लगाना शुरू करिए। हाँ ठीक था, 5-5-6 फुट, मीटर तो ज़्यादा बोल दिया। आप जितने भी इंजर्ड बच्चे हैं सब जिम में पहुँचिए। या सुनो, बॉल बॉल रिलीज कौन कौन कर सकता है? रिलीज आप अनफिट हो, रिलीज सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पहुँचिए, थोड़ा टेक्निकल सेशन लेते हैं, फिर आपको भेजेंगे, जाइए। आ रहा हूँ मैं वहाँ पर। लगा लो सामने को भी, लगा लो कौन सामने भी लगाओ कौन। भागना नहीं है भाई, इस इंजरी में भागते नहीं है। हाँ इसको बता दे भाई, जो आगे हैं जिनके पार्टनर, चलो शुरू करो यार। दो दो पेयर, एक इधर एक इधर, और एक ही साथ स्टार्टिंग, एक ही साथ खत्म करेंगे, एक ही साथ आएंगे, मतलब पूरा जितना सेट रहेगा एक ही साथ पेयर में। रनअप करना है अपना सिंक में, मतलब उसको मैच करना है पार्टनर को, आगे पीछे नहीं होना चाहिए कुछ भी, सिंक में रहना है। बट आपका टेस्टिंग हो गया ना, टेस्टिंग हो गया, टाइट और नीचे सपोर्टर वगैरह पहना हुआ। चल तू भी रिदम पे आ गया, तेरा अच्छा है बेसिक्स, देखा वीडियो तेरा। किसी एक पार्टनर चूज़ कर ले कोई सा भी, आप इधर आ जाओ सर, आज पहले दिन ही घुस जाओगे इस सेशन में, उधर चलो करो, एक पार्टनर चूज़ कर लो आप। भरा हुआ है, टाइट है, पेन कर रहा है। हाँ पहले था ना वो मर चुका है, वो दूसरे पे दूसरे में। हाँ वो ये चीज़ें होंगी तेरे साथ, तेरी बॉडी बहुत टाइट है, अच्छा इसलिए हो रही है ये। सॉरी 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 फिलहाल क्या रोक लिया, अभी रोक लिया इस चीज़ को,
अपर बॉडी पे काम कर, अपर बॉडी के जो पैटर्न्स हैं वहाँ पे। चल मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। भाई भाई बीच में से जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ से कोना डालो, थोड़ा शिफ्ट करो इसको, शिफ्ट करो यार, बहुत स्पेस है ग्राउंड में यार। भैया मैं भी आ रहा हूँ। हाँ रिदम में दिक्कत है तेरे? रिदम बढ़िया ना, तेरा रिदम बढ़िया है? कोई पार्टनर है तेरा? तो फिर अकेले तो नहीं है, ये पार्टनर की ड्रेस है। यू हैव टू हैव अ पार्टनर। देख कोई मिल जाए तेरे को जो ठीक बंदा हो वो। भाई गैप कर लो, इसके आसपास नहीं आ रहे, ठीक है? अकेले नहीं भागना है, पार्टनर के साथ भागना है। आगे पीछे नहीं होना चाहिए, सिंक में सबके सब। तेरा पार्टनर कहाँ यार जड्डू? पार्टनर कहाँ जड्डो? पार्टनर कहाँ तेरा? मैं पार्टनर कहाँ है तेरा? पांडा पांडा बोल रहा है। मैं दो का पेड़ रहेगा यार वो, उसको अकेला भाग रहा है, अकेला भाग रहा है, तो आगे पीछे क्यों हो रहे हो? तो वापस आओ ना एक साथ, एक साथ अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर गड़बड़ है। अब भाई वापस भी एक साथ आना है ब्रदर, अकेले ही है भैया जी। सामने देखो अच्छे से, सामने बैट्समैन अप्रोच करना है, बैट्समैन को विजुलाइज करो और सेम तरीके से मैच में बॉल डालनी है, सिंपल। किस किस को फील आ रहा है, किस किस को फील आ रहा है? कैसे भाग रहा है आशीष यार? आशीष कई बार क्या होता है ना, तू अच्छा करेगा तो दूसरे को चेज करने दे तेरे को, तू कर अपना। वो उसका काम है कि वो तेरे को चेज करे, उसने पार्टनर तेरे को चूज किया है या उसने तेरे को चूज किया है, अब तेरे को डिसाइड करना है कि तेरा पार्टनर तुझसे अच्छा है या घटिया है। इफ यू आर फास्टर तो तेज भागने में तुझे रिदम आता है, तो तू वैसे कर, खुद को एडजस्ट मत कर दूसरे के लिए। हाँ तो तू तेज रहे भाई, तू कॉम्प्रोमाइज मत कर, उसको तेरे को मैच करना चाहिए, प्रोफाइल एक जैसी होनी चाहिए। नहीं तो फिर अगर पार्टनर इतना मतलब होता ना कि उसकी अप्रोच स्लो है मेरी तेज है, तो पार्टनर चेंज कर दो। तो तेरा अब इसमें इस केस में जस्सी तेरे को चेज करेगा, मतलब उसको तेरे को तेरा लेवल मैच करना है, ठीक है? तू अपना बिंदास अपने अपने मोड में रह, तेरे को और मजा आएगा जब तू। हाँ शाबाश, आप थोड़ा लेट है अभी, करो आता हूँ तुम्हारे पास। लाइक सब लोग पेयर में किसने कितने सेट कर लिए, कितने कितने रैप कर लिए सबने? कितने? 10 10 12 10 12 10 12। किस किस को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? एनीवन क्या दिक्कत आ रही है? काफ़ी गैप लगा है ना इस वजह से आपको। हाँ बॉडी शेक हो रही है। कैसे ये शेक एज इन फील तो आ रहा है, तो मतलब बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि बॉडी हिल रही है। देखना पड़ेगा यार, ये स्टेबिलिटी इशू है या फिर रनअप की प्रैक्टिस नहीं करी हमने बहुत दिन से, लैक ऑफ बॉलिंग की वजह से भी हो सकता है ना, लैक ऑफ कोर स्ट्रेंथ की वजह से भी हो सकता है। और बाकी लग रहा है मैच में इस रिदम से फेंक दोगे? ये रिदम बेस्ट, इसी रिदम से बेस्ट पोटेंशियल बॉल फेंकनी है। ये एवरेज पेस के लिए हम काम कर रहे हैं, हाईएस्ट पेस किसी एक दिन फेंकेगी। मोहम्मद शमी ने भी 150 फेंकी हुई है, सबको मालूम है ना, तो उस दिन उसका रिदम बना था बेस्ट पॉसिबल रिदम। तो ये जो है ये आपका ये लाइफ टाइम रिदम रहना चाहिए, जब हम सिंक में रहते हैं ना, ये हमारा लाइफ टाइम रिदम है। इससे आप अगर 140 हो जाएंगे तो अमेजिंग रिजल्ट आएंगे, ठीक है?
जो सपोज करो ये बंदा, ये नया बंदा है, ये 50,000 रुपये अपने फूकेगा, डाइट अच्छी लेगा, अच्छी स्लीपेगा, अच्छी रिकवरी लेगा, तो शायद कोई एक दिन ऐसा आए जो उसमें एकदम जैक्ड अप रहे, समझ रहे हो आप? तो दिन विशेष भी होता है, अल्टीमेटली हमें जो रिदम गेन करना है, एवरेज रिदम जो गेन करना है वो यही है, ठीक है? तो वी विल कीप प्रैक्टिसिंग। कितने रैप और निकाल के दे सकते हो मुझे, अच्छे प्रोडक्टिव, ज़बरदस्ती वाले नहीं? 20+। चलिए करिए करिए, शुरू करो, गैप करो अपने अपने। एंड वन मोर थिंग, ए सब लोग ध्यान से सुनो, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना। जिसको भी दिक्कत हो रही है ना रिदम क्रिएट करने में, या फिर कुछ ऑकवर्डनेस आ रही है, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। देखो कि आप कैसे भाग रहे हो, ब्रीदिंग पैटर्न सही है कि नहीं है, कि चोक करके भाग रहे हो? अगर सांसें रुक रही हैं तो सांसें रिदम का ही पार्ट है, ठीक है? स्टार्ट। हाँ मतलब अभी फोकस करो, अभी फोकस करो, आपको पता चलेगा रिदम किसे बोलते हैं। चलिए ब्रीदिंग पे ध्यान देना अपनी। अभी डालता रहूँ ना। पेन आया, वैसा पेन तो आएगा नहीं, वैसा पेन नहीं आ रहा है। मैं चले जाऊँ? वैसा अब वो बहुत लगने लगा कि तो फिर रोक मतलब समझ रहा यार, हैमस्ट्रिंग वाली स्वेलिंग आने लगी। हाँ वो ये चीज़ है भैया, वहाँ चले गए, आ रहे हैं 5 मिनट तो डाल लेता हूँ। थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा एक एक महीने से घर बैठा हुआ, दोनों इंजरी एक साथ हुई, लोअर बैक होगी, लोअर बैक ठीक हुआ, अब नी भी काफ़ी ठीक हो गया। भैया पानी कम पीने से बैक पेन भी होता है? सब कुछ है, स्टिफनेस इंजरी का कारण ही पानी कम है, हो रहा है, हवा लग रही है हल्का सा, वो साइड में वो टाइटनेस है। जल्दी जल्दी बॉलिंग करो, रेस्ट कम लो। मैंने देखा नहीं भाई, अच्छा एल्बो पे फोकस कर बस तू। तुम लोगों को शर्म तो आती नहीं, तुम्हारा प्रैक्टिस एरिया मेंटेन रहता नहीं है, मैं कर दूंगा कल आके इसको, बैठे रहना तुम लोग घर पे। इतना लेट क्यों हो रहा है? लेट तो नहीं, 1 बजे आया हुआ हूँ, जब आपने ओपन नेट के लिए बुलाया था। अच्छा तू ओपन नेट के लिए आया था? ओपन नेट में आया तो मैं वही था, ऊपर वाड़ी करने के लिए उसको मना किया अभी करने के लिए, मैं आज बुलाया हुआ, मैं जा रहा हूँ अभी की ट्रेनिंग करके अभी जा रहा हूँ। वो भाई थोड़ा ट्रेनिंग पे रह ले यार, दिखता नहीं है तू ग्राउंड पे अब। कल कल ही तो नहीं आया, मेरे को दिखता ही नहीं तू ग्राउंड पे अब, गायब गायब से, सच में सच्ची फिट रहो भाई, काम करो। ठीक है सर, सीधा रख बॉल डालते हो, अब ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने। जिम में जाओ, रिहाब करो जाके, शोभित बता देगा वर्क। सर ऊपर रख ले भाई, नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो क्रिकेट भाई, ऐसा इतनी गंदी बॉडी लैंग्वेज एकेडमी में लेके मत आया करो। ठीक है गुड, शाबाश। ठीक है अभी हाथ
जब आप डीलोड कर रहे हो हाथ एक साथ ऐसे खुल जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, अलग अलग हाथों का अलग चलना ज़रूरी है, भले एक बार को ऊपर मैच हो जाए ऐसे करके, बट वो नीचे अलग अलग आएंगे। अरे वेरी गुड यार, क्या बात है, समझ में आ रहा है ना? शाबाश, अभी भी थोड़ा ज़बरदस्ती वाला लग रहा है बट कंट्रोल आ जाएगा धीरे धीरे। चलो नाइस, वेरी गुड, करते रहे, सोचो ज़्यादा करो तब जब तुम खुद से सेटिस्फाइड हो, ये नहीं यहाँ भटाभट लगे पड़े हो गड्ढा करने में। ठीक है ठीक है बेटा, ये अंदर जो इनर है ना बनियान जो पहनते हो उसको पहनना बंद कर दो, ठीक है, नॉर्मल ड्राई फिट में आओ, ऊपर से हाफ स्वेटर डाल लेना। ये अभी ऐसे खुल रहा है, दिस इज रॉन्ग, इसकी वजह से हो सकता है कि आपका वेट आगे रहता हो। कोशिश करो कि जब आप जंप में बैक फुट पर लैंड कर रहे हो ना तो ये हाथ ऊपर की तरफ जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब ये गलत है ना। बैकफुट पे थोड़ा सा कंट्रोल कर खुद को, एकदम से मत निकल बैकफुट से, क्विक बैकफुट का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल खड़े ही ना हो उस पर, सारी सेपरेशन ही बैकफुट पे खड़े होकर होती है, अभी भी वही हो रहा है। अबे इसका यहाँ थोड़ा ढीला रहना होता है, सेपरेशन होने देती है यार ये नीचे, ये ख़त्म कर देता अपनी बॉडी को पूरी। ऑब्जर्व कर रहा है आपने, आपको पॉज नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पे ऐसे ब्लॉक नहीं कर देना खुद को, ये आएगा नहीं जब फिर तेरी बॉडी ब्लॉक होगी फिर बॉल डाल पाएगी ना, तूने यहाँ पे बिल्कुल फ्री कर दिया खुद को, ये यहाँ पे ऐसे छोड़ना नहीं है, ये नीचे की तरफ आता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस काम करती हैं यहाँ पे, तुमने लैंड किया ये ऊपर ऐसे छोड़ दी, अरे आराम से गिर रहा है ऐसे, गिरने नहीं देना उसको, ऐसे रखो ऐसे करके यूँ। इसका फ्रंट फुट पर कंट्रोल नहीं है ना, देखो दोनों टांगों पर कंट्रोल होना ज़रूरी है कि आपका पैर आ किस तरीके से रहा हूँ, इंजरियाँ इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपके दोनों पैर पर कंट्रोल नहीं आता, बैकफुट पे लड़खड़ा रहे हो, एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता, कॉन्शियस कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है करो, मोबिलिटी हो गया, वॉक थ्रू कर दो, चलते रहो, एक एक चीज़ कंट्रोल होनी चाहिए। वुमेन्स तो उसको बॉल डाल गया, उसको बॉल डाला था, ठीक है, बाकी सब तो चटका जा रही थी, वो आया मैंने उस पहले बॉल फुल टॉस में बीट कर, फुल टॉस में बोल्ड कर दिया, फुल टॉस में आउट स्विंग में 6 किलो खड़ गया उसका, और अगली तीन बॉल डाली, तीनों ही बॉल सामने सामने से बीट, मुंह से ही तो तू बीट में लड़कियों को, तू देखिए कैसी बात कर रहा है, 140 फेंकता है और फिर बोलता है कि लड़कियां बीट हो रही हैं। मैं क्या एक चीज बता रहा हूं, फिर वैसे तो सर पूछते नहीं थे, कभी पूछा नहीं था, फिर पूछे थे तेरी एज क्या है, एज कैटेगरी क्या है, मैं सर अभी 19 है, 19 कितनी सर, 2 साल है, ठीक है, फिर पहले तो अजय सर से बात कर रहे थे क्योंकि मैं उनके नेट में था पहले, अच्छा। फिर राजन सर से बात कर रहे थे, फिर आगे उन्होंने मुझसे पूछा था, कोई टूर्नामेंट हो रहा था मोहन मैकिंस करके, मोहन मैकिंस ग्राउंड है, मोहन मैकिंस को इसमें टूर्नामेंट भी तो होता है, उसमें शायद इसके लिए बोल, अरे तो अच्छा कर भाई, तेरे को तू बस अच्छा करेगा, देख अभी खुद ही हो रहा है, तेरी बॉलिंग से हो रहा है ना, बॉलिंग से, तू दुनिया की चीज़ों में हाथ पैर नहीं मारा ना, जिस बॉलिंग अच्छी कर रहा है अच्छी निगाहों में कर रहा है इसलिए तेरे पास अच्छी चीज़ें हो रही हैं। हाँ तू अपने काम पर ध्यान दो, बाकी चीज़ अपने आप होंगे। चलिए आप ऑब्जर्व करना तुम करते हुए भी अपनी बॉडी को, चलो आओ उधर, कर और इसको रोक क्यों रहा है, कुछ भी पार्ट रुके, चल ना ये पोजीशन बनने दे भाई, अब ये वाली एल्बो को अगर तो नीचे रखेगा ना तो तेरी जंप वैसे ही नहीं होगी, इस एल्बो को भी ऐसे एलिवेट करना पड़ेगा क्योंकि पैर अपने आप लेके जाएगी, इसका कनेक्शन होता है। अभी जिसको यहाँ रोकता है ना तू, यहीं रोकता है तू एल्बो, चल तू आ ना, तेरे को जो समझ में आया करके दिखा, हाथ ये एल्बो क्यों बाहर निकाल दी, नहीं समझ में आया, अरे भाई ये करना है, मेरे को वार्म अप किया नहीं है मैंने, ये करना है,
अच्छे से कर भाई। तो सोच क्यों रहा चल अभी, और लैंड होते ही खोल दे रहा हाथ। आपको भी यही करना है, अभी आपने भी एल्बो यहाँ खसका रखी हूँ। भाई लैंड होने के बाद ऐसे नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, ये खोलना ही नहीं है, बिल्कुल खोलना ही नहीं है। आपका सारा फोकस होगा टांग पे, अपर बॉडी पे, अपर बॉडी बंद करा रहा हूँ आपकी भी। कर वही रहे हो जो बॉलिंग में कर रहे हो, फोकस सारा हमें लोअर बॉडी पे देना है, उसके पैटर्न को फोकस करो, अच्छे से चलाओ। एक मिनट दे बता दूँ, अभी भी जब तू भाग रहा ना, इसको अलग से ही उठा रही हूँ, सिर्फ इस पर फोकस करो, यहाँ ही रख, हाथ चलाई मत, ये बंद कर इसको भी। हाँ अब अच्छे से चला, अब तेरा थोड़ा सा अच्छा मुझे लगा, हाथों को ज़्यादा नीचे से ऐसे लाना ही नहीं ऊपर। हाँ अभी अब ये होगा तो फिर वो मेमोरी तो बनी पड़ी है पुरानी। रुक के बॉल नहीं डालनी, मच बेटर अभी भी। मैं बस एक बार लास्ट बार बोल रहा हूँ कि तेरा सारा फोकस होगा लोअर बॉडी पे, लोअर बॉडी के पैटर्न्स पे, लास्ट में चलते कैसे, चलते कैसे, दिक्कत सारी ये हो रही है तो ये कहीं ना कहीं घुसाते रहे। चल मेहनत करता रहा कर, मर्जी है कहीं भी कर ले। कोई चोरी कर रहा है, बोल रहा है।